कलश यात्राएं तो तमाम निकलती हैं, लेकिन रविवार सुबह पंचकुइया में श्री राम कथा की शुरुआत के लिए निकली कृष्णाश्रय भागवत सेवा मंडल की कलश यात्रा ऐतिहासिक थी। हजारों कलशधारी महिलाएं जब नगीन नगर कालका माता मंदिर के सिर पर कलश लेकर सड़क पर निकली तो देखने वाले भी हैरान थे। वे अचंभित होकर कहने लगे कि कलश यात्रा में इतनी संख्या आज तक नहीं देखी। पंचकुइया में ये कलश यात्रा पहुंची, इंदौर की सबसे बड़ी रामकथा की शुरुआत हो गई। श्री कृष्णाश्रय भागवत सेवा मंडल के प्रमोद जोशी, अशोक शर्मा, मुकेश शर्मा, अभिषेक पांडे की टीम ने ऐतिहासिक कलश यात्रा निकाल कर ही बता दिया कि श्री राम जी की कथा भी इंदौर की जनता कभी भूल नहीं पाएगी। फिल्म शुरू होने के पहले कलश यात्रा के रूप में जो ट्रेलर नजर आया उसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि श्री राम के भक्तों का मिनी कुंभ कथा के दौरान रोज भराने वाला है। नगीन नगर कैला माता मंदिर से कलश यात्रा की शुरुआत हुई। यह यात्रा इतनी भव्य थी कि लोगों को शुरू से आखिर तक देखने में घंटों लग गए। शुरुआत में अखाड़ों की शस्त्र कला, भजन मंडली, बग्गी, गाजे बाजे आकर्षण का केंद्र रहे। फिर कलश सर पर रखकर चल रही महिलाओं की भीड़ देखने लायक थी। विशेष ये था कि ये कलश रखकर चलने वाली महिलाएं नेताओं की तरह भीड़ बढ़ाने के लिए बुलाई नहीं गई थी, बल्कि वे खुद राम भक्ति में लीन होकर कृष्णाश्रय सेवा मंडल के आह्वान पर आई थी। 1 मार्च से जो पंचकुइया पर रामकथा का जो आयोजन रखा गया उसके उपलक्ष्य में आज नगीन नगर कालका माता मंदिर से जो शोभा यात्रा की उसमें हजारों महिलाओं ने उसमें शामिल हुई, उसमें कलश लेके उस यात्रा को सफल बनाया। उन सबों की मनोकामना पूर्ण है और सभी लोगों से निवेदन कर रहा हूँ जो पंचकुइया पर रामकथा हो रही है। इंदौर में कथा तो बहुत सारी होती है, भगवत कथा होती है, तो रामकथा जी आदरणीय कृष्ण महाराज जी हमारे द्वारा कथा कराई जा रही है। इसके पहले उन्होंने चारों धाम में कथा कराई है, उसको आदरणीय प्रमोद जोशी जी मित्र मंडल द्वारा सिद्धूर कराई जा रही है। आदरणीय पांडे जी, आदरणीय रामद शर्मा जी, आदरणीय सभी उनके साथियों द्वारा जो ये कथा कराई जा रही है, मैं उनको शुभकामना दूंगा जो इन्होंने इतनी मेहनत करके इतना अच्छा पंडाल बनवाया और इतनी महिलाओं को इकट्ठा करा। और आज इसके उपलक्ष्य में सभी माताओं बहनों से निवेदन करूँगा कि आए और राम कथा का आनंद लें और इसकी क्या मतलब पुण्य कमाएँ हैं। बाकी श्री राम कथा की इस ऐतिहासिक कलश यात्रा को निकालने में कृष्णाश्रय सेवा मंडल के प्रमोद जोशी, अशोक शर्मा, अभिषेक पांडे, मुकेश शर्मा, शांतिलाल जांगिड़, रामकरण शर्मा, कैलाश शर्मा, अजय शर्मा, श्याम शर्मा और टीम ने दिन रात की मेहनत की। मंडल की महिलाओं की टीम में मंजुला शर्मा, मीना जोशी, वर्षा शर्मा, प्रफुल्ला शर्मा, राधा पाटीदार का भी सहयोग रहा। कलश यात्रा में संत लक्ष्मणदास महाराज, विधायक संजय शुक्ला, आचार्य बालकृष्ण शास्त्री सहित अन्य गणमान्य शामिल हुए। जब कलश यात्रा पंचकुइया पहुंची तो वहां पैर रखने की जगह तक नहीं बची। ऐसा लग रहा है कि मानो पंचकुइया मंदिर प्रांगण के बाहर तक सड़क पर राम भक्त कथा सुनने के लिए बैठने वाले हैं। आज से 8 मार्च तक रोज दोपहर 2 से 6 बजे तक श्री राम मंदिर पंचकुइया में राम भक्तों का मेला लगेगा। कथा कलश यात्रा के माध्यम से शुरुआत हुई है। इसमें करीब 5,000 महिलाएं और 3,000 पुरुष इस यात्रा में शामिल थे। धन्यवाद और प्रणाम करता हूँ इस पश्चिम क्षेत्र की धर्मप्रिय जनता और महिलाओं को जो इस यात्रा को जिन्होंने अद्भुत और ऐतिहासिक बनाया, और हमारे माननीय विधायक संजय शुक्ला जी के संरक्षण में होने वाली इस कथा को आज दोपहर शुरू दिन 3 बजे प्रारंभ होगी और प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक कथा का यहाँ आयोजन होगा।